होंगे। अब दरबार तो ये अभी से लगा है, उससे पहले लेकिन फिर भी जब से दरबार लगा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। गणेश गौरी वरुण नौकरिया इत्यादि पंचुलों के पास भी फिर यहाँ जब आए तो पूरा पूरा यकीन हो गया कि दरबार में पूरी सच्चाई है। बुंदेलखंड को चमत्कारों का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के लोगों की आस्था अपने धर्म के प्रति अटूट है। बागेश्वर धाम इस बात का जीता जागता प्रमाण है, जहाँ दूर दराज से लोग अपनी समस्याओं के निवारण के लिए आते हैं। इसके बाद अब एक और स्थान चर्चाओं में है, जहाँ सप्ताह के एक दिन हनुमंत सरकार का दिव्य दरबार लगता है। यहाँ भी दूर दूर से लोग अपनी गंभीर परेशानियों को लेकर आते हैं और दरबार में उनकी अर्जी लगाई जाती है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की अर्जी निःशुल्क जाती है, साथ ही किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा या चढ़ौती नहीं ली जाती। भीड़ कम होने की वजह से सभी की अर्जी भी स्वीकार आसानी से हो जाती है और उनके समस्याओं का निवारण भी उन्हें मिल जाता है। यहाँ ज्यादातर वही लोग आते हैं जिन्हें डॉक्टरों की दवा का कोई असर नहीं होता, या फिर यूं कहे कि उन्हें किसी बुरी या नकारात्मक शक्ति ने घेर रखा होता है। यहाँ आकर वो मरीज स्वतः ही प्रतिक्रिया करने लगते हैं। ये दरबार हमीरपुर जिले की सरीला तहसील अंतर्गत ग्राम रिरुआ में बेतवा नदी के किनारे लगता है। यहाँ आकर हमने यहाँ के महंत जिनके द्वारा ये दरबार लगाया जाता है उनसे बात की और जाना कि किस तरह से यहाँ आने वाले लोगों का निवारण दिया जाता है। आस्थाओं का क्षेत्र है बुंदेलखंड और आस्था में यदि चमत्कार भी जुड़ जाए तो आस्था बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। और आपने कुछ समय से पहले सुना होगा बुंदेलखंड से ही शुरुआत हुई थी बागेश्वर धाम से, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वहां दरबार लगाते हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत तरह से आराम मिलता है, लोगों की परेशानियां भी बता देते हैं, दूर दूर से लोग वहां जाते हैं। लेकिन बुंदेलखंड में एक ऐसा ही चमत्कारिक दरबार और देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से। यह हमीरपुर ज़िले की सरीला तहसील में रिरुआ गांव है, बेतवा नदी के किनारे ये गांव बसा हुआ है और यहाँ पर एक बाबा हनुमान दास जी जो बहुत पहले जिन्होंने समाधि यहाँ पर ली थी उसी स्थान पर कुछ ऐसे चमत्कार कुछ समय से देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर प्रति मंगलवार को हर मंगलवार को दरबार लगता है, लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, लोगों की बीमारियाँ सुनने में आता है, लोगों की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं और जो बाहरी परेशानियाँ भी होती हैं किसी का मानसिक रूप से परेशान हो या कोई ऊपरी शक्तियाँ या नकारात्मक चीज़ें उन्हें परेशान करती हैं तो उनसे भी उन्हें निवारण यहाँ पर मिलता है। महाराज जी के साथ हम बैठे हुए हैं उसी दरबार में हैं, आइए बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी कब से ये दरबार लग रहा है यहाँ पर? सबसे पहले तो आपकी टीम को मेरी तरफ से जय श्री राम। जी जय श्री राम। ये काफ़ी दिनों से दरबार लगता है, करीब समथिंग 4 मंथ हो गए हैं। इसके पहले भी इन्हीं के एक आशीर्वाद से मैं कार्य करता था करीब 6-7 वर्ष के समथिंग से। तो आने जाने में मुझे बहुत सारी परेशानी होती थी, बाहर की सिटियों में जाना रहता था। तो मैंने सुना और लोगों की सलाह से, जो गांव के व्यक्ति हैं लोगों से सलाह, एक मीटिंग हुई और मीटिंग में सब लोगों ने गांव स्थानांतरित किया, मुझे चुना यहां के लिए। तो दरबार प्रारंभ हुआ, शुरू में थोड़ा सा उलझने हुई, विरोध भी हुआ, लेकिन मैं सिर्फ एक आस्था के तौर पे चलने वाला हूं और आस्था के तौर पे जो भी व्यक्ति यहाँ अपना समस्या लेके आए तो समस्या का समाधान भी हुआ और कैसे क्या होता ये ऊपर वाले की कृपा है। और ज़्यादा कुछ तो मैं अपने आप को कुछ चमत्कारी या कुछ ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक कहे वही सत्य है। बाकी जी बिल्कुल, पब्लिक ने हमें बताया कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं, उनको ऊपरी शक्ति होती है, कोई शैतानी शक्तियाँ होती हैं तो वो यहाँ पर चमत्कार से दूर होती हैं। वो देखिए, अगर ये कोई चीज़ नहीं मानता इस चीज़ को, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ और देखो ये हनुमान चालीसा कई हजार साल पुराना है, उसमें लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा का ये भी सब लोग बोलते हैं, जब नकारात्मक ऊर्जा है सकारात्मक ऊर्जा है तो इस चीज़ में मंत्र शक्तियाँ हैं
और अभी नहीं द्वापर त्रेता सतयुग से भी मंत्र शक्ति चली आई है और आज भी है, लेकिन उस चीज़ का सिद्ध करना या उस चीज़ को सदुपयोग करना ये अपनी अपनी सोच के ऊपर है। बाकी ईश्वर के माध्यम से, भगवान हनुमान दास बाबा के माध्यम से उनको इनका नाम लेके मैं उनको स्पर्श करता हूँ या जो संकेत जैसा मिलता है या मन में प्रश्न होता है लिखता हूँ, वही कुछ निकलता है। अच्छा, यहाँ पर दरबार लगाने की प्रेरणा जो है वो कैसे उत्पन्न हुई आपके मन में? या मैं छोटा था और छोड़ करीब मेरी 8 या 9 वर्ष की उम्र होगी, तो मैं फादर्स के फोर्स और मम्मी के उसमें जो पिता हैं माता हैं उन लोग फोर्स किया करते कि मंदिर जाओ मंदिर जाओ, तो मैं मंदिर आने लगा, पूजा पाठ यहाँ करने लगा और काफ़ी छोटी सी उम्र थी और मुझे पिताजी ने दिशा दी कि ऐसे से किया जाता, पूरा नियम बताया कि अपने आप को पवित्र कैसे रखा जाता है और पूजा पाठ कैसे किया जाता है, उस नियम से करा। तो कुछ दिन बाद एक आभास सा होने लगा कि ऐसा होने वाला है, तो समय में ऐसा हुआ कि पापा की मृत्यु भी होना था और मैंने अपने माताजी से बताया कि मृत्यु होना है और इतने इतने समय पर हो जाएगी। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टरों को भी बताया, तो मुझे स्वयं ही पहले विश्वास नहीं हुआ करता कि यार कैसे संभव है और कैसे ये चीज़ सत्य निकलती है। तो उसके बाद एक मेरे गुरु मिले, गुरु के माध्यम से मैं कार्य करने लगा और अभी तक भगवान की कृपा से हर चीज़ में सफलता प्राप्त की। अच्छा, किस तरह के मरीज यहाँ पर ज़्यादा आते हैं और उन्हें किस तरह से आराम मिलता है? जैसे सबसे प्रथम चीज़ है कि प्रथम में नकारात्मक का प्रभाव किया करता था और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ स्थान पे जो भी एक तो आए ना, अगर आ गया तो उनको आराम दें, प्रभु से मैं कामना करता हूँ। ये मेरी एक निजी आस्था है और समस्त ग्राम वालों की वासियों की निजी एक आस्था है, उसमें सब लोग आस्था के तौर पे ही कार्य करते हैं और आस्था के तौर पे आराम मिलता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है कि यहाँ पर अभी तक ये जब से दरबार लग रहा है कितने ऐसे लोग हैं, जो लगभग कितने लोग हैं जिनको यहाँ से आराम मिला है? समथिंग 10,000 से ऊपर व्यक्ति, 10,000 से लोग यहाँ ऊपर आकर गए हैं। यस। अच्छा, इसका जो दरबार लगता है क्या इसका सुनिश्चित समय है, दिन है? मैं सिर्फ मंगलवार लगाता हूँ और बाहर के अतिथियों के लिए निःशुल्क भोजन का आयोजन किया जाता है और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो परेशानी है, गरीब हैं और उन लोगों को आने के लिए किराया नहीं है, तो किराया की भी सुविधा यहाँ से कमेटी द्वारा, जो भी गाँव द्वारा सहयोग द्वारा उनको दिया जाता है और कमेटी गाँव के सहयोग से भंडारा का फ्री निःशुल्क आयोजन। वहीं यहां आने वाले कुछ श्रद्धालुओं से भी हमने बात की, तो उन्होंने यहां आने के बाद उन्हें क्या आराम मिला इस बारे में उन्होंने हमसे अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि ये एक दिव्य स्थान है जहां आकर भी उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। इसके साथ ही भगवान के दर्शनों के बाद उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीलू। कहाँ से आया? हमीरपुर कुरारा से। कुरारा से। यहाँ के बारे में क्या सुना था आपने? सुना था क्या कि मतलब यहाँ की मतलब जो मतलब बताते हैं वो मतलब काफ़ी आस्था है यहाँ पे, सब लोग विश्वास के लिए सब लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आप दरबार में आए थे, कैसा लगा आपको आकर? अच्छा लगा। क्या देखा आपने यहाँ पर? मतलब जो देखा अच्छा लगा मुझे देखने। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका कहाँ से आए हैं? कुरारा में। कुरारा से जी। यहाँ क्या सुना था जब आप यहाँ आए थे दरबार में? यहाँ की बहुत सारी चर्चाएं हमने सुनी, तो बस ये लगा मतलब आस्था हमें हमेशा से रही है यहाँ पे हनुमान दास बाबा की, फिर यहाँ जब आए तो पूरा पूरा यकीन हो गया कि दरबार में पूरी सच्चाई है और दिल से भरोसा है मैं इस दरबार पे। तो कुछ जीवन में परिवर्तन नजर आया है? बहुत सुधार हुआ। कैसा परिवर्तन है? मतलब जो काम रुके थे बनने लगे हमारे, होने लगे हैं। हम पूछ रहे हैं क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम है शिवकांत। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो हम यहीं के हैं। ये कौन सी जगह है? ये कुरारा वो है, रिरुआ ग्राम रिरुआ। हाँ। अच्छा, यहाँ पर दरबार में किस तरह से दरबार लगता है? अब दरबार तो ये अभी से लगा है कुछ दिन पहले, लेकिन फिर भी जब से दरबार लगा है तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब जो यहाँ आता है सबके काम बनते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? अब हम ये नहीं तो बता सकते क्योंकि हम बहुत दूर दूर से बहुत दूर से आते हैं। हाँ, वो तुम्हारी बस्ती है, लखनऊ है, कानपुर है, फतेहपुर है, हर जगह से। अच्छा, क्या सुना सुनते हैं यहाँ के बारे में? लोग यहाँ आते हैं तो उनको क्या आराम मिलता है? भाई जिसके मुझे सुना उनने को वहाँ बैठक भाई हमको बहुत आराम है, जो है यही बताते हैं। किस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं? अब जैसे मतलब कोई अस्पताल से लौट आया, बीमारी से ग्रस्त है, नहीं सही हो रहा, यहाँ आया भगवान के दरबार में सही हो गया,
अब उनकी आस्था समझो या गुरु जी की, ये तो सब वही जाने। हमीरपुर से हरिमोहन के साथ वीरेंद्र की रिपोर्ट।